टू माई चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे हम 45 के। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के टू मेथड्स होते हैं, फैक्टर ट्री मेथड, एक बाइडवियन मेथड। तो हम लोग पहले बाइडवियन मेथड कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट देन फैक्टर ट्री मेथड से कर लेंगे, ठीक है। तो जब भी प्राइम फैक्टर स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करना, हम लोग लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अगर तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है उस कंडीशन में हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या रूल होता है चेक करने के लिए कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं? डायरेक्टली ये मेथड है, जिस नंबर को आपने चेक करना है उस नंबर का लास्ट डिजिट चेक करें। उस नंबर का लास्ट डिजिट जो है अगर 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, ठीक है। अगर तो उस नंबर का लास्ट डिजिट इनमें से है, इसका क्या मतलब है कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो जैसे 45 एक नंबर है, हमने इसे चेक करना है, तो इस नंबर का लास्ट डिजिट है 5, इनमें से नहीं है, इसका क्या मतलब है कि नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, हम यहाँ पे 2 नहीं ले सकते। ये नंबर हम यहाँ पे 2 तो नहीं ले सकते, तो अब 2 तो ले नहीं सकते, 3 ले सकते हैं, तो 3 हम यहाँ पे ले सकते हैं। मुझे कैसे पता डायरेक्टली? ये भी डायरेक्टली चेक करने का मेथड होता है, क्योंकि कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो जिस नंबर को आपने चेक करना है उस नंबर के डिजिट्स प्लस कर दें। प्लस करने के बाद अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो कि 3 के टेबल में आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 45 एक नंबर है, इसके डिजिट्स प्लस करें। प्लस करने पर देखिए क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 3 के टेबल में 9 आता है, इसका क्या मतलब है कि पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है। हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ठीक है। 3 के टेबल में 45 आता है, 15,000, ये तो डायरेक्टली ठीक है हो गया। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको नहीं समझ आ रहा कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कैसे, होगा क्या आएगा यहाँ पे, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके लिए आपने क्या करना है, फिर आप ये कर दें कि 3 के टेबल में 4 नहीं आता, ठीक है। तो 4 से छोटा, 3 के टेबल में 3 आता, आप इसे कट करके 3 बना लें। फिर 3 के टेबल में 3 आता है 1,000, ये 4 था, जब हमने इसे कट करके 3 बनाया तो इसका जो 1 है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये क्या बन गया, 15। अब ये 15 बन गया, 15 को सॉल्व कर लेते हैं, 3 के टेबल में 15 आ गया, 5,000, ठीक है। तो इस तरह इजी हो जाता है हमारे पास, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तो फिर भी छोटा नंबर है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको सॉल्व करना फिर हमारे लिए इजी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, दोबारा से 3 ले सकते हैं, तो यस ले सकते हैं, 3 के टेबल में 15 आता है, 3 के टेबल में 15 आता है, 5,000। अगेन 3 ले सकते हैं, तो नहीं ले सकते, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन सा होता है जो अपने टेबल में ही आ रहा होता है, जिसकी सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, मतलब वो 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में ही आता है। जैसे 5 ही अपने टेबल में आ रहा है, उसका सिर्फ फैक्टर 1 और 5 ही है, 5 आ गया। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 इज़ इक्वल टू, क्या आ गया हमारे पास फैक्टर्स, 3 × 3 × 5, ओके। अब हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, 45 के करने हैं बाय फैक्टर ट्री मेथड। तो 45 के करने हैं, इसको टॉप मोस्ट पे लिख लेंगे, देन हम चेक करेंगे कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो कंपोजिट नंबर है ये, कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब वो 2 से ज़्यादा टेबल्स में आ रहा होता है। 45 1 के टेबल में भी आता है, हर नंबर ही 1 के टेबल में आता है, ठीक है, 1 के टेबल में आता है, उसके बाद 3 के टेबल में आता है, ये 5 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, 15 के टेबल में आता है और अपने टेबल 45 में आता है, ठीक है। तो ये जो है एक से 2 से ज़्यादा नंबर्स में आ रहा है, टेबल्स में आ रहा है, 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर्स हुए, तो इसका क्या मतलब है, कंपोजिट नंबर है, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको कैसे सेपरेट करेंगे, वही बात कि हम लोग जैसे फैक्टर्स फाइंड आउट करना लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो हम देखते हैं हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं कि नहीं। अगर तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 के टेबल में आता है, उसी कंडीशन में हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं। फिर हम देखेंगे 2 के टेबल में 45 कितनी ज़्यादा आता है, वो यहाँ पे लिख लेंगे। लेकिन हमने चेक किया कि 45 जो है वो नहीं आता था, ऐसा ही है, क्योंकि 45 का लास्ट डिजिट जो है 5 है, इनमें से नहीं है, ऐसा ही। फिर हमने क्या किया कि हमने 2 को छोड़ दिया, फिर चेक करना 3 से, तो 3 के टेबल में 45 आता है, तो यस मैंने वो भी आपको रूल बता दिया कि 4 और 5 को प्लस किया 9 आता है, 3 के टेबल में 9 आता है, तो उसका क्या मतलब है, पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पर 2 तो नहीं ले सकते, 3 ले सकते हैं, 3 के टेबल में 45 आता है। छोटा नंबर यहाँ पर लिखना है, बड़ा यहाँ पर लिखना है, ठीक है। 3 के टेबल में अब 45 कितनी ज़्यादा आता है, वो आपने यहाँ पर लिखना है, 3 के टेबल में 45 आता है, 15,000, ठीक है। अब हमने सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन लगा लेना है, 3 जो है वो प्राइम नंबर है, ये फर्दर सेपरेट नहीं होता हमारे पास, कैसे, क्योंकि 1 के टेबल में आता है 3 और सिर्फ अपने टेबल में ही आता है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं है, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। 15 जो है कंपोजिट है, कैसे, ये 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और अपने टेबल 15 में आता है, तो ये फर्दर सेपरेट हो जाएगा, कैसे, किस में होगा, 3 और 3 कितनी था, 15 होता है 5, तो यहाँ पर छोटा नंबर 3 लिखेंगे और यहाँ पर 5 लिख लेंगे, ठीक है। फर्दर ना तो 3 सेपरेट होगा ना तो 5, दोनों ही प्राइम नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ तक इसका एंड कर देंगे और यहाँ पर लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 इज इक्वल टू इस तरह 3, 3 और 5,
तो जब हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट किए बाय डिवीजन मेथड तो भी यही आए थे, जब हमने फैक्टर ट्री मेथड किए वो भी यही आए, क्यों? क्योंकि नंबर सेम है तो प्राइम फैक्टर्स भी सेम आएंगे, बस मेथड ये डिवीजन और ये फैक्टर ट्री मेथड है। ओके, होप्स आपको अच्छे समझ आ गया होगा। एक और बात, ये हमारे पास एलसीएम नहीं है, ठीक है, ये प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट हो रहे होते हैं जब एक नंबर की करते हैं हम, ठीक है। एलसीएम हम तब करते हैं, एक नंबर का नहीं फाइंड आउट करते, वो सिर्फ एक नंबर का अगर हम करें तो वो सिर्फ प्राइम फैक्टर्स हैं। एलसीएम उस कंडीशन में फाइंड आउट होता है जब एक से ज़्यादा नंबर हैं, फिर वो दो हैं, तीन हैं, चार हैं, जितने भी हैं, ठीक है, फिर हम उनको लिखते हैं यहाँ पे, सेंटर में कॉमास लगाते हैं, फिर हम उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, प्राइम फैक्टर्स को जो है फिर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम कहते हैं कि ये एलसीएम है इन नंबर्स का, ठीक है, तो वो एलसीएम होता है। आपने इस बात को जो अपने माइंड में रखना है, ठीक है। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।